हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए, बात करते हैं आज आपके यूपीएसआई रिजल्ट के बारे में। ठीक है, यूपीएसआई का रिजल्ट कब तक आ रहा है? सबसे पहले तो एक मैं बात बता दूं आपको, हमने एक वीडियो डाली थी कि यूपीएसआई में जो स्कैम वगैरह हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाएं। पर उसमें बहुत से बच्चे चाहते थे कि सर आप आवाज़ ना उठाएं, और बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि सर आप भी क्या कोर्ट केस करने के बाद आप भी क्या मतलब पैसे वगैरह मांगने वाले हो। वैसे हमने कहा था कि हम किसी से एक भी रुपया नहीं लेंगे किसी से भी, पर उसके बाद में बहुत से सवाल उठे। मैंने सोचा मैं यार छोड़ यार, जब कुछ करना ही नहीं है, जब बच्चे ही नहीं चाहते कि हम कुछ करें, तो फिर हम मैंने कहा मगर छोड़ो, मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी, वो ग्रुप भी डिलीट कर दिया, क्योंकि यार हम निस्वार्थ भाव से आपके साथ में खड़े थे और आपसे कोई पैसे की डिमांड भी नहीं करी थी। कहा था कि अगर कोर्ट केस होता भी है तो हम अपने द्वारा पैसा लगाएंगे, और जितने भी अन्य यूट्यूब चैनल हैं उनके द्वारा अगर कुछ मदद मिल जाए तो उनके द्वारा आप मदद मांगेंगे। पर जब बच्चे वही नहीं चाहते, क्योंकि आप एक चीज़ मानिएगा, जिस बच्चे का हुआ है और ये संख्या बहुत ज़्यादा है, जिन बच्चों का अगर काम हुआ भी है या जिनके अच्छे अच्छे नंबर हैं जो 150 या 140 के समथिंग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और वे जितने भी यूट्यूबर्स आपके वीडियो बना रहे हैं उनको लगातार डिमोटिवेट कर रहे हैं कमेंट में। बट जो बच्चा री एग्ज़ाम के फेवर में है या फिर जो बच्चा जांच के फेवर में है, जब वही सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? ठीक है, आपको वीडियो शेयर करने के लिए आप शेयर नहीं करते हो, आप कुछ नहीं करते हो, आप कमेंट में भी सपोर्ट नहीं करते हो। तो जब ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की हो जाए जो चाहते नहीं है एग्ज़ाम कराएं। अब भाई हमने जो अभी एक सर्वे डाला था उसमें 60% बच्चा तो ये चाहता है कि री एग्ज़ाम हो। ठीक है जी, 60% बच्चा तो ये चाहता है री एग्ज़ाम हो, और 30% 40% के करीब बच्चा चाहता है कि री एग्ज़ाम ना हो। तो 40% बच्चा ये मानो आपकी 110 प्लस से ऊपर है, अगर आप 40% बच्चे की बात करें। क्योंकि देखिए, ये बात तो सत्य है कि जिस बच्चे के नंबर कम है, ठीक है, जिस बच्चे के नंबर कम है वही चाह रहा है कि री एग्ज़ाम हो। ठीक है जी, जिसके 105 110 तक भी हैं, पर जो 110 से ऊपर है वो बच्चा ये सोच के बैठा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि 150 से 140 के ऊपर दो चार लोग होंगे, पांच चार लोग होंगे। पर हकीकत यह है, जब हमने सर्वे करवाया तो मैं भी देख के हैरान हो गया कि 40% बच्चा ये चाहता है कि री एग्ज़ाम ना हो, मतलब उनका 110 से ऊपर आराम से स्कोर है। तो इस हिसाब से आप देखो, उसमें आपकी वोट पड़ी थी 30 30 हज़ार, 3 चौक 12, तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी संख्या है जिनके 110 से ऊपर यहाँ आराम है। क्योंकि जिसको उम्मीद भी लग रही है ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो चाहता नहीं है कि री एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है जी, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि भाई स्कैम हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, इस भर्ती की जांच होनी चाहिए, पर जिनके नंबर कम है, जिनके 110 से नंबर कम है, वे बच्चे भी चाहते हैं कि आपका, क्योंकि देखो अगर इसमें स्कैम ना हुआ तो सिलेक्शन होगा 100 वालों का भी, जिनके 100 क्वेश्चन ठीक है ना उनका भी सिलेक्शन होगा। और अगर स्कैम हुआ होगा, क्योंकि मैं कोई श्योरिटी तो कह नहीं रहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोर्ट जाएंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई आपका स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे। बट अब जो बच्चा 110 के करीब भी है ना, उसको संख्या चल चुकी है पता कि भाई इतना ज़्यादा बच्चा 130 140 के हेर फेर में बच्चा है तो हमारा तो आना पॉसिबल है नहीं, और 140 से ऊपर तो बहुत सारा बच्चा है। और हमने सर्वे भी कराया था लगातार, एग्जाम पूर्ण ने भी सर्वे करवाया था, ठीक है जी, रोजगार विदंकित ने भी सर्वे करवाया था, और भी अन्य चैनल है उन्होंने भी सर्वे करवाया था, और सबका सर्वे सटीक बैठा था वही कि 8 से 9% बच्चा तो 150 से 140 से ऊपर ही है। ठीक है ना, मतलब 10 से 12 हज़ार बच्चा 140 प्लस ही है उनके सर्वे के मुताबिक। और ये एग्जामपुर पर भी सेम सर्वे जो एग्जामपुर ने करवाया था उसमें बिल्कुल सही बैठ रहा था, रोजगार विदंकित ने करवाया था वो भी सही बैठ रहा था। तो इसके बाद में बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि सर ये इतने इतने नंबर कैसे आ रहे हैं, अनुआ रहे हो, फिर उसके बाद में बहुत सी आंसर की आपकी वायरल हुई, और उसके बाद में हमने डिसाइड किया था कि हम आवाज़ उठाएंगे। बट वो वाली बात है ना कि जब ये 40% बच्चा चाहता ही नहीं है कि एग्ज़ाम हो, ये क्योंकि जो 60% बच्चा है वो तो सपोर्ट कर नहीं रहा, और जिस बच्चे को लग भी रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो 110 प्लस वाले हैं उनको ये लग रहा है कि अगर आप 110 से 120 के बीच में हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आप 100% ये हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखना कितना बड़ा खेला होगा, ठीक है, जब आपको बाद में पता चलेगा। तो अब तो हम तो इसके बारे में अब कुछ कह ही नहीं रहे, क्योंकि हमने तो तुरंत के तुरंत वीडियो, क्योंकि निस्वार्थ भाव से वो वीडियो बनाई थी, हम ना किसी से पैसा उठाने वाले थे, हमने पहले ही कह दिया था कि हम किसी बच्चे से एक रुपया नहीं लेंगे, अगर मान के चलो कोई केस भी होता है ना तो हम सिर्फ जो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके द्वारा सपोर्ट मांगेंगे, आप बच्चों से किसी से भी कुछ नहीं लिया जाएगा। पर वही वाली बात है, कुछ लोग दलाली करते हैं यूट्यूब पर, सब बदनाम हो जाते हैं कि सर ये भी दलाली करा था, वो भी दलाली करा था, आप भी दलाली करोगे। तो भैया हमने तो तुरंत वीडियो डिलीट मार दी, ग्रुप भी डिलीट मार दिया, क्योंकि हमारे बस की ये दलाली का टैग लगवाना अपने ऊपर है नहीं, हम ना दलाली करना चाहते हैं क्योंकि भगवान ने बहुत दिया है। ठीक है भाई साहब,
तो मैंने तो तुरंत के तुरंत वो वीडियो भी डिलीट मार दी थी, जो ग्रुप बनाया था वो भी डिलीट मार दिया था। मेरे बस की भाई साहब ये चीज़ें नहीं है। एक तो बच्चों का भला करो, ऊपर से भैया ऐसी ऐसी बातें सुनो। तो मैं बता रहा हूँ कि 40% बच्चा, जब 40% बच्चा श्योर है कि भाई मेरा आ जाएगा, मतलब 100 बच्चों में से 40 बच्चों को ये पता है कि मेरा नंबर आ जाएगा, तो भैया ठीक है तुम्हारा नंबर आ जाएगा। वो तो खैर जब कट ऑफ लगेगा पता आपको चल जाएगा। क्या छोड़िए, अब देखो बात करने आया हूँ मैं रिजल्ट की। अब देखिए जो आपकी फाइनल आंसर की है, फाइनल आंसर की जो आपकी फाइनल आंसर की है, ये आपकी 25 जनवरी 25 दिसंबर तक आ जाएगी फाइनल आंसर की, और इसके तुरंत बाद 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 10 जनवरी 2022 तक। ठीक है, रनिंग का इस साल मुश्किल लग रहा है। देखिए आप रनिंग करते रहना, जिसको भाई को उम्मीद लग रही है कि मेरा हो जाएगा, ठीक है जी आप अपनी रनिंग करते रहना, रनिंग मत छोड़ना। पर इस साल मुश्किल लग रहा है कि आपकी रनिंग हो, इस साल आपकी रनिंग के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि आचार संहिता भी बहुत जल्दी लगने वाले और ये काम इतने जल्दी भी नहीं होते। तो भैया आप अपनी रनिंग करते रहना, जिसको भी उम्मीद हो थोड़ी बहुत कि मेरा नंबर आ जाएगा या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, अभी जो फिलहाल बात निकल के ये आई है कि 10 जनवरी तक जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, मतलब आपसे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें पूछा जाएगा। ठीक है जी, आप डेट ऑफ बर्थ भरोगे अपनी DOB, और उसके बाद में आपका लिखा आएगा यू आर क्वालिफाइड फॉर DVPST। ठीक है जी, और या यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर DVPST, मतलब नंबर तो आपको पता नहीं चलेंगे किसी को भी, सिर्फ आपको, अगर आप मेरिट में आ रहे हो तो आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आप DVPST के लिए क्वालिफाई हो, और आप या फिर ये पता चलेगा कि भैया आप DVPST के लिए क्वालिफाई ना हो। तो जो DVPST के लिए क्वालिफाई ना होंगे वे अपना घर बैठना, जो DVPST के लिए क्वालिफाई होंगे भाई वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और अपना रनिंग के लिए मतलब रनिंग मार के आओ वहाँ पे, जहाँ पे भी आपके सेंटर्स बनाए जाएंगे रनिंग के। तो अभी फिलहाल यही अपडेट है, देखो रनिंग करते रहना, पर रनिंग की पॉसिबिलिटी कम लग रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रनिंग छोड़ दो। हो सकता है रनिंग हो जाए आपकी फरवरी में हो जाए, या फिर जनवरी के एंड में, ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी के एंड में ये आपकी रनिंग करवा लें, तो ये पॉसिबिलिटी है। आप अपना रनिंग रनिंग की तैयारी करते रहना। और दूसरी बात, जो आपकी NSEIT है, जिसने आपका UPSI का एग्ज़ाम कराया था, वो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बैन होगी भाई, वो मध्य प्रदेश सरकार ने, MP सरकार ने बैन कर दी। ठीक है जी, और ऊपर से 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उस पर लगाया है जो आपकी UPSI का एग्ज़ाम करा रही है, क्योंकि इसमें संलिप्तता पाई गई है, जो आपके जो जो कंपनी जो कंपनी एग्ज़ाम करा रही है उसके अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है। जैसे आपने देखा होगा, अब जब आपका UPSI 9534 का जब एग्ज़ाम चल रहे थे, तो अलीगढ़ हेड इस मतलब जो आपके जिले वाइज हेड है, दो चार हेड भी आपके पकड़े गए थे नकल करवाने में। ऐसे ही MP में पकड़े गए थे, सॉरी ऐसे ही MP में पकड़े गए थे, और ये भर्ती वहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक कर दी गई है, मतलब ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। अब वहाँ पर ये कंपनी एग्ज़ाम नहीं करा पाएगी, और री एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम कराया था इसने, उसका री एग्ज़ाम दोबारा से करवाया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हो कितनी कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी बेहतरीन कंपनी है। 2017 में भी यही कंपनी थी NSEIT, NSEIT। ठीक है जी, और इसमें तब भी एक खबर आई थी कि एक हेड थे आपके, वे भी उन्होंने ही पेपर लीक करवाया था, उस टाइम पे कुछ ज़्यादा थी तो भैया पेपर पहले ही कैंसिल हो गया था। इस बार पे कुछ ऐसा उठने लाया नहीं, बात बहुत सी दबा दी गई है, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है जी, तो ये वही कंपनी है, और यही कंपनी MP में आपकी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। MP में NSEIT आपका कोई भी एग्ज़ाम आगे से नहीं कंडक्ट करा पाएगी, और जिस एग्ज़ाम को इन्होंने कराया था, जिसमें पेपर लीक हुआ था, उस एग्ज़ाम अब जा वो एग्ज़ाम आपका दोबारा होगा, मतलब री एग्ज़ाम होगा। तो आप इसी से ही अंदाज़ा लगा लो कितनी अच्छी कंपनी है ये आपकी NSEIT। ठीक है जी, तो आप अपनी आवाज़ खुद उठाओ भैया। ठीक है, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम हो या फिर इसकी जांच हो, वे लोग खुद सपोर्ट में नहीं आते। उनसे बोलो यार वीडियो शेयर कर दो, वीडियो शेयर नहीं करते, कमेंट में सपोर्ट कर दो, एटलीस्ट कमेंट में तो कर दो, उनको मुंह तोड़ जवाब तो दे दो भाई। जिसका काम हो रहा है, जिसके पैसे गए हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका जो है ये एग्ज़ाम हो, और वो सभी यूट्यूब चैनलों के कमेंट में जाकर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि यूट्यूबरों के खिलाफ ही, जो यूट्यूब पर जो आपकी वीडियो बना रहा है, जो आपके सपोर्ट में वीडियो बना रहा है, उसके खिलाफ ही माहौल बना दिया जा रहा है। तो भाई हम तो ऐसे लोग हैं नहीं दलाली वाले। ठीक है जी, हम दलाली वाले लोग नहीं हैं। तो जितने ये जो सेटिंग वाले भैया हैं ना, जो चाहते हैं कि माहौल हमारे खिलाफ बने, गलत बने, ये बने, तो मैं उनको पहले ही बता दूं, भाई साहब भगवान की दुआ से, ईश्वर की कृपा से मेरे घर में कोई कमी नहीं है, और 2-4 लाख रुपए से मैं कोई अमीर भी नहीं बन जाऊंगा। ठीक है ना भाई साहब, तो मैंने तो तुरंत वो वीडियो भी डिलीट कर दी, मैंने तो ग्रुप भी डिलीट कर दिया,
और दूसरी बात, जब हम किसी से पैसा मांग ही नहीं रहे थे, हम तो जो आपके यूट्यूबर्स हैं, जो आपके कोचिंग संस्थान हैं, उनसे सपोर्ट मांग रहे थे, बच्चों से तो किसी से भी एक रुपया नहीं मांगा। पहले कह रहा था कि भाई हम किस, मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि अगर आपसे कोई और भी पैसा मांगे तो पैसा मत देना अभी, ठीक है जी। और मैंने कहा था कि हमें भी पैसे की आवश्यकता नहीं है। खैर छोड़िए, रात गई बात गई, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। खैर जो मैं इन्फॉर्मेशन देने आया था वो मैंने दे दी। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी सपोर्ट में रहे तो भैया कमेंट में बता देना। अगर आप चाहते हो कि जिनको लगता है कि इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हुई है और हम आपकी सपोर्ट में रहे तो कमेंट में कमेंट कर लेना कि भाई साहब हम आपकी सपोर्ट में हैं। और अगर कमेंट में मेरे खिलाफ़ कोई, मतलब जैसे ये बेचारे दो चार सेटिंग बाज है ना, ये कमेंट में आके माहौल ख़राब करेंगे, अगर आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति कोई कमेंट में है तो जवाब भी भैया आप उन्हें खुद ही दे देना, कैसी भाषा में, जैसी भाषा आपको पसंद हो। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप सीधी भाषा में बात करोगे तो ऐसों को समझ में नहीं आती, अपने हिसाब से जैसी आप भाषा का प्रयोग करना चाहें ऐसे लोगों के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे कमेंट मिलते हैं अच्छे खासे कि हाँ सर हम सपोर्ट में आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद मैं सोचता हूँ क्या करना है। फिलहाल इन द एंड, जय हिंद जय भारत।